मैं मरते दम तक किसी के सामने नहीं झुकूंगा। आप लोग मेरा साथ दें या ना दें, मगर कचरा खेलेगा। 2004 में जब वेन ब्रिज ने मारा था वो गोल इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग अगेंस्ट द इनविंसिबल्स आर्सेनल, मुझे लगा था फाइनली भाई चेल्सी हैज ओवरटेकन आर्सेनल इन टर्म्स ऑफ, होता है ना बोगी टीम आर्सेनल के साथ हम डरते हैं स्टफ लाइक दैट, जो मुझे एटलीस्ट पर्सनली भाई बहुत चिढ़ाया जाता था बिफोर दैट। बट द फैक्ट बीइंग दैट उसके बाद में इतने साल तक यस वी हैव बीन वेरी वेल डूइंग अगेंस्ट आर्सेनल, अभी वापस से टाइम्स हैव गॉन बैक टू दैट एरा बिफोर 2004। हाँ लास्ट 8 गेम में हमने आर्सेनल के साथ खाली 2 बार जीता है, only 2 times in the last 8 competitive fixtures, wow, beat that, beech mein friendlies bhi hue the, usme bhi I remember a particularly loss in the beginning of the season, lekin ha yahi nahi abhi aur suniye bhai aur bhi zyada telling fact kya hai bolu, is season mein we knew when we are heading into the season bhai yahan par hone wale 12 london derbies in a premier league season pura, yes, और दिस इज द लास्ट फिक्स्चर जो होने वाला है आज रात को बिटवीन आर्सेनल एंड चेल्सी जो है लंदन डर्बी एटलीस्ट फॉर अस, और इन दोज 11 फिक्स्चर्स इससे पहले इट्स अ क्रेजी स्टैट, आई कांट इवन बिलीव इट भाई, वी ओन लंदन आई थॉट सो, हमने खाली 3 विक्ट्रीज देखी है, 3 विक्ट्रीज इन दोज 11 मैचेस, वाओ बहुत ही ज्यादा एम्बैरसिंग स्टार्ट है। ऑब्वियसली एक स्टार्ट तो हमें पता ही है भाई, टॉप हाफ ऑफ द टेबल के कोई भी टीम को हमने बीट नहीं किया सिवाय एस्टन विला को बीट किया था बेसिकली इन द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, वो हुआ था जब दे वर नॉट इन द टॉप ऑफ द टेबल, सो आई डोंट नो इफ दिल इवन काउंट, बट एनीवे इज इट दैट आर्सेनल जो मिस कर दी है फाइनली टू गेट बैक एंड विन द प्रीमियरशिप अगेन, वो हमारा एडवांटेज हो सकता है कंसिडरिंग लास्ट 4 मैचेस में उन्होंने भी देखा नहीं है एक भी विक्ट्री। हाँ, हमने तो भाई लास्ट 5 में नहीं देखे, इनफैक्ट ड्रॉ भी नहीं देखा हमने तो लास्ट 5 में, एंड दैट इज लैम्पार्ड फॉर यू, लेकिन व्हाटएवर बी इट भाई लंदन डर्बी है, होपफुली फॉर्म गोज आउट ऑफ द विंडो, होपफुली ये हफ्ते में लैम्पार्ड कुछ याद दिलाए अ सर्टन चीज, आपको याद है भाई, किसी को याद है ये, यस लॉन्ग 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 अगो वो एक अलग ही एरा था चेल्सी का, एंड ऑफकोर्स अभी यार यू कैन नॉट रियली थिंक अबाउट दैट, लेकिन होपफुली इट इंस्पायर देम, यही हफ्ता था जहां लैम्पार्ड ने मारे थे भाई गोल्स अगेंस्ट बोल्टन एंड वन अस द प्रीमियरशिप फॉर द फर्स्ट टाइम आर लीग टाइटल आफ्टर मोर देन 50 इयर्स, एंड दैट इज समथिंग दैट होपफुली ड्राइव करे टू सम ऑफ आवर चेल्सी प्लेयर्स इफ नॉट ऑल। तो भाई बने रहना लास्ट तक, आई नो दैट दिस इज अ लेट प्रीव्यू, सो होपफुली यू विल बी डेफिनेटली लाइकिंग दैट थम्स अप बटन एज वेल एज बेसिकली डू नॉट फॉरगेट to hit that bell notification icon because we are live for the pre-match and watch along as always, always a fan channel for all to see. तो क्या लगता है भाई, मतलब in terms of the starting lineup, हम Lampard के lineup से surprise होंगे any more or no? मतलब I know that he kind of surprised us by playing against Brentford with all due respect भाई, at 3 the back और Kante Gallagher in behind Sterling, क्या वो वही खेलेगा? Do let me know in the comment section. मेरे लिए yes, यहाँ पर दो चीज बात करेंगे, एक जो मुझे लगता है जो pick करेगा, एक जो होना चाहिए Arsenal will go with the regular 4-3-3 or 4-2-3-1, whatever you may call it. हाँ, उनके Saliba is still not fit. हमारे injuries में obviously we have Kai Havertz who was a little bit injured, लेकिन I believe so. Press conference में बोला गया that I think he should be fit for the game. So Kai Havertz should be an option, लेकिन anyway should he start? Question marks. एक्स आर्सेनल प्लेयर ओबामयांग थोड़ा बहुत खेले थे भाई, आई थिंक ही कैन मे बी स्टार्ट, चांसेस लग रहे गोइंग बाय द प्रेस कॉन्फ्रेंस अगेन, बट वी हैव रीस जेम्स, मेसन माउंट बाहर आउट ऑफ द सीजन, यस इवन कालिडू कुलीबाली भी अवेलेबल नहीं है अलॉन्ग विद कुकुरिया, हाँ द लास्ट वन मेरे ख्याल से थोड़ा सा ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ है, आई मस्ट बी ऑनेस्ट देयर, लेकिन हाँ अगर मैं पिक करूंगा तो आई विल गो विद एनीवे 3 द बैक, आई नो वी आर डिफेंसिवली वोफुल अंडर लैम्पार्ड, लेकिन मेरे ख्याल से वो काम नहीं कर रहा, हाँ थ्री दफा खेलो अगर आपको राइट पर्सनल खेलना है, अगर राइट पर्सनल अवेलेबल है, वो नहीं है, आई कैन नॉट सी अ टॉप विंग बैक अवेलेबल जो ऑनली रीज जेम्स स्क्वाड में इफ एट ऑल एनी, तो मुझे नहीं लगता दैट इज अ पॉइंट ऑफ प्लेइंग थ्री द बैक, हाँ लॉफ्टस चीक ऑप्शन हो सकता है और एस्पिलिक्वेटा ऑप्शन हो सकते हैं लेजेंड, बट कम ऑन वी नो दैट दे आर नॉट देयर स्पेशली अगेंस्ट मार्टिनेली और ट्रोसार्ड ऑफ आर्सेनल, तो मुझे लगता है दैट इफ आई वॉज चूजिंग मैं जाऊंगा इस गेम के लिए फ्लैट बैक फोर काइंड ऑफ थिंग, जहां पर वो बैक थ्री भी हो सकता है एट टाइम्स, विद चिलवेल बॉम्बिंग ऑन एक साइड से हम अटैक कर सकते हैं, तो चिलवेल लेफ्ट बैक ऑब्वियसली, यहाँ पर यू हैव अ बार्डेशिल, यार क्यों नहीं यूज कर रहे हैं बार्डेशिल को, आई अंडरस्टैंड वेस्ली फोफाना ने किया है प्रीमियरशिप में, बट आफ्टर द रियल मैड्रिड गेम भाई उसने एकदम हगा है वेस्ली फोफाना, आई डोंट नो व्हाई इज नॉट यू नो यूजिंग बार्डेशिल इंस्टेड, और चालोबा एट लेफ्ट सेंटर बैक डजंट वर्क, मुझे लगता है कंसिडरिंग द पेस ऑफ मार्टिनेली हो सकता है चालोबा राइट बैक खेले,
ओनली पेस के लिए और थोड़ा आउट रहेंगे तो आई थिंक ज्यादा थ्रेट नहीं रहेगा कंपेयर टू हिम यू नो डिफेंडिंग इन द मिडिल. और ऑब्वियसली टियागो सिल्वा इज बैक होपफुली इन द मिडिल. लेकिन हाँ मिडफील्ड में मैं खिलाना चाहूंगा अब मिडफील्ड थ्री ऑफ अ कोवाचिच एंजो फर्नांडिस एंड अ कांटे. कांटे को आप नहीं खिलाओ भाई एज फॉल्स नंबर 10 प्लीज प्लीज डू नॉट. बट हाँ अप फ्रंट मैं लूंगा भाई जस्ट गो फॉर इट वाला चीज ठीक है. सॉलिड बैक फोर एक्सपीरियंस मिडफील्ड थ्री और यहाँ पर वी विल हैव होपफुली मुड्रिक अगेंस्ट आर्सेनल. रिमेंबर भाई बहुत ज्यादा बीट किए थे उन्होंने बट नॉट इनफ बट स्टिल दे वर वेरी इंटरेस्टेड रिमेंबर दैट. तो ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव एस्पेशली आर्सेनल में अगर जिनचेनको खेले. प्लस यू हैव राइट साइड में यू वुड से स्टर्लिंग नहीं आई वुड पिक मडवेके और ओबामेयांग अप टॉप. यस जस्ट गो फॉर इट यार सिंपल. हाँ ज्यादा खेला नहीं होगा इन्होंने साथ में लेकिन वी नीड दैट फॉर नाउ. क्या ही तो हम हारेंगे यार कम ऑन क्या ही तो हम लूज करेंगे या मैच हारेंगे बट वो तो ऐसे भी हार रहे राइट. वी नीड टू गेट अ पॉइंट एट लीस्ट. बाय द वे हम 12th है जस्ट टू लेट यू ऑल नो. हाँ हमारे पास दो है गेम्स इन हैंड. ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि मैं होने वाला इन द टॉप 6 और टॉप 4 प्लेसेस नॉट जस्ट टॉप ऑफ द टेबल. लेकिन कोई नहीं या बोर्नमथ एक्चुअली इक्वल पॉइंट्स पर है. क्रिस्टल पैलेस बाय द वे वन ऑफ द फ्यू टीम्स लंडन के जो हमने बीट किया है इज एक्चुअली अबव अस. दैट्स ग्रेट टू नो. वाओ ऑब्वियसली सार्कास्म. लेकिन हाँ इन गोल आई थिंक केपा इज ऑन इनफ जस्ट अबाउट इनफ टू स्टे वहां पर. लेकिन हाँ what Lampard will pick we all know he's going to pick this don't we. but anyway in terms of head to head br maine jaise shuru kiya tha video mein that is a fact so I don't think we can take much from that. lekin ha Lampard versus Arteta bhi ek cheez hai kahin na ki Lampard has a payback to be given to Arteta kyunki proper Arteta ne jeeta tha FA cup final if you remember jab Arteta Lampard dono par pressure tha 3-1 victory tha with a very young Saka MS Mitro the first time jab Lampard yahan par the aur kahin na kahin that helped Lampard to get sacked the first time around if you're an Arsenal fan. lekin definitely mujhe lagta hai those are things that you don't forget personally although wo itna matter nahi karega lekin hopefully wo Lampard ko enough charge kare and he actually voices a little bit more is match mein compared to basically recent matches. to pata nahi bahut flat laga yaar. I must admit that absolutely bahut flat lage. I hope he calls out on the pitch as needed yaar. it is for pride. yes it could have been a battle of the bridge kind of match again at Arsenal lekin considering that abhi Arsenal drop kar diye points and Man City bhi jeet rahi hai. I don't think wo hone wala hai waisa lekin agar itna sa chance hai na Arsenal ka wo wahi hai jab har ek match jeete and Man City drop at least 2-3 games wo hone wala hai nahi. wo hame pata hai to bhai hopefully we play bindas or just go for it. aur kya mujhe lagta hai hone wala hai. सच्चाई सच्चाई कड़वा सच ये है कि भाई मुझे नहीं लगता एज इट इज हम टॉप 4 साइड्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे इन द प्रीवियस सीजन. अभी तो भाई टॉप 10 साइड्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और एकदम फटी पड़ती है हमारी क्योंकि वी कैन नॉट रियली डू एनीथिंग व्हेन वी गो बैक अ गोल और हम कम बैक कर ही नहीं सकते एकदम भी. हाँ मे बी सम एक्सपीरियंस ऑन द बेंच वुड हेल्प लेकिन अगेन भाई आई डोंट सी अस भाई एट बेस्ट हम ड्रॉ लेंगे बस. लेकिन क्या मुझे लगता है ड्रॉ लेंगे आई थिंक येस जस्ट अबाउट क्योंकि आर्सेनल का जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. हाँ बट जॉर्जिनियो फैक्टर भी है रिमेंबर. देयर इज अ जॉर्जिनियो फैक्टर जो इंटरेस्टिंग रहेगा. आई डोंट थिंक शुरू करेगा हो सकता है बाय द वे आर्सेनल के आई थिंक ट्रोसार्ड शुरू करे. ही हैड अ ब्राइट इम्पैक्ट लास्ट गेम में कैमियो था उनका लेकिन अगेन मुझे नहीं लगता ज्यादा चेंजेस होंगे. आई थिंक आर्सेनल विल गो विद दिस टीम. सो गोइंग विद दैट टॉप बैटल क्या देख रहे हो मतलब इट विल बी इंटरेस्टिंग दैट कौन खेलेगा अपना राइट साइड में डिफेंस में वर्सेस आर्सेनल लेफ्ट विंगर. आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेन बैटल्स टू लुक फॉर. ऑफकोर्स चिलवेल साका भी दो अच्छे प्लेयर्स है एज वेल एज एंजो फर्नांडिस इन मिडफील्ड. क्या वो खेलेंगे अगेंस्ट जॉर्जिनियो समवन लाइक दैट लेट्स सी. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो बट ऑल्सो योर प्रेडिक्शंस. मैं जा रहा हूं विद अ वन ऑल ड्रॉ एट द एमिरेट्स स्टेडियम. हाँ फर्स्ट पॉइंट फॉर लैम्पार्ड यार बट नॉट द फर्स्ट विन. एनीवे अब द चल्स नो मैटर व्हाट मिलते हैं रात को. ऑलवेज रिमेंबर कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई बट ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी एज वेल.